Hello class, our today's topic is drawing of lotus. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोटस की ड्राइंग. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन ड्रॉ लोटस ईजली, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एंड हाउ यू कलर इट, और इसको किस तरह से कलरिंग दे सकते हैं. यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं यहाँ जो लोटस की फ्लावर है, ये सेंटर का पेटल है. दोनों साइड में सेम पेटल है, इधर और उधर दोनों ही साइड में सेम पेटल यूज़ की गई हैं. तो जैसा आपको इस साइड में पेटल्स यूज़ करना है, सेम ऐसे ही दूसरी साइड में भी पेटल्स ड्रॉ करना है. जैसा आप यहाँ ड्रॉ करेंगे वैसे ही दूसरी साइड में ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट, आपको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. तो हम पहले सेंटर वाली जो पेटल है वो ड्रॉ करेंगे. तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसको कर्व लेकर आएंगे, थोड़ा सा कर्व करेंगे और ये हमारा. अब सेम ऐसे यहाँ पर भी ऐसे करना है, ये देखे हलाना है नीचे की डाउन में, थोड़ा सा कर्व करना है, राउंड लेना है और ये हमारी एक पेटल हो गई. अभी यहीं से हम दूसरी पेटल ड्रॉ करेंगे. दूसरी पेटल के लिए हमने ये यहाँ से कर्व्ड डाउन लेके जाएंगे, कर्व रखेंगे लाइन को स्मूथनेस के साथ में और ये हमारी दूसरी पेटल भी ड्रॉ हो गई. अभी उसके बाद की जो पेटल है उसके लिए भी हम यहाँ से हमें नीचे से लेके जाना है और इसको ऊपर लाकर जहाँ हमने वहाँ पर ड्रॉ किया है वहाँ पर हमें इसको सविता को सविता अप्रूवल. फिफ्थ दोबारा 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 ऐसे हमने ये वाली पेटल भी ड्रॉ की. अभी हमें जैसे हमने इस साइड पे ड्रॉ किया है ऐसे हमें दूसरी साइड पे भी ड्रॉ करना है. तो हम उतना ही डिस्टेंस लेंगे और सेम पेटल ड्रॉ करेंगे जो हमने उस साइड पे ड्रॉ की थी. दोनों साइड पर सेम आना चाहिए. जैसे पेटल इधर ड्रॉ किए हैं वैसे ही पेटल उस साइड पे भी ड्रॉ करना है हमें. तो हम सेम डिस्टेंस रखेंगे दोनों साइड में. यू कैन ऑब्जर्व, आप देख सकते हैं दोनों का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है और सेम पैटर्न हमने दोनों साइड में ड्रॉ किया है. आपका जो हैंड है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए और आपकी स्केचिंग में सॉफ्टनेस दिखनी चाहिए, हार्डनेस नहीं दिखनी चाहिए. जैसे यहाँ पर जब सॉफ्ट रहता हार्ड, जब आपका हैंड जो है बहुत स्मूथ रहता है और एकदम सॉफ्ट, तब ये जो आप जो कर्व ड्रॉ करते हैं जो जहाँ पर भी मूवमेंट देते हैं वो एकदम प्रॉपर रहते हैं, उसमें हार्डनेस शो नहीं होती है. तो आपको अपना जो हाथ है वो एकदम स्मूथ रखना है, लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए. बस आपको ये ध्यान रखना है जैसे आपने वहाँ पर उस साइड में ड्रॉ किया है ऐसे ही सेम आपको इस साइड में भी ड्रॉ करना है.
अभी यहाँ सेंटर में एक पेटल ड्रॉ करेंगे। नीचे की साइड में भी जो लोटस की जो लीफ होती हैं वो थोड़ी ऐसी राउंड होती हैं, यहाँ पर हम वाटर शो करेंगे, पानी की जो लोटस फ्लावर होता है वो पानी के अंदर ही होता है। वेव्स भी शो करेंगे। अभी हम कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसके लिए हम पिंक कलर लेंगे, तो वाइट कलर के अंदर रेड कलर मिक्स कर देंगे। वी आर यूजिंग पोस्टर कलर, हम पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पिंक कलर बनाने के लिए, लोटस का कलर बनाने के लिए आपको पिंक कलर लेना, बनाने के लिए रेड कलर लेना है और वाइट कलर लेना है, और दोनों को मिक्स करना है। पिंक कलर मोस्टली नहीं आता है कलर में, तो आपको ये कलर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कलर को बनाने के लिए, जैसे हमने आपको बताया, रेड और वाइट कलर को मिक्स कर देंगे तो ये आपका पिंक कलर बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, ताकि शेडिंग आ जाए।
कलर आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम शेडिंग भी दे रहे हैं साथ साथ, और यहाँ पर कलरिंग भी कर रहे हैं। बूस्टर कलर्स के अंदर मोस्टली ये कलर पिंक कलर नहीं आता है, ये आपको बनाना ही पड़ता है। अभी हम वाइट कलर भी यूज़ कर रहे हैं इसमें शेडिंग के लिए। ऊपर की तरफ हम लाइट शेड यूज़ दे रहे हैं और नीचे की तरफ हमने डार्क किया है। जैसे हमने यहाँ पर सेम कलर दिया है, यही कलर कॉम्बिनेशन हमें दूसरी साइड में भी लेना है, तो हम यही कलर रखेंगे दूसरी साइड में भी। इसके लिए वी आर यूजिंग टू ब्रशेज, एक पिंक के लिए और एक वाइट के लिए।
हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बाकी के बैकग्राउंड में कलरिंग करेंगे। इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद इसकी हम आउटलाइन करेंगे। तो जब तक ये ड्राई होता है, जब तक हम इसकी बैकग्राउंड में कलरिंग कर लेते हैं। अभी हम बैकग्राउंड के लिए यहाँ पहले लीफ में कलरिंग करेंगे इसकी। तो लीफ में हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा येलो का टच देंगे इसमें। बहुत ज़्यादा इसके अंदर वाटर मिक्स नहीं करना है। दोनों कलर्स को मिक्स करना है जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं।
अभी हम पानी में कलरिंग करेंगे, तो पानी के लिए हम स्काई ब्लू कलर बनाएंगे। इसके लिए भी हम वाइट कलर और ब्लू कलर को मिक्स करके पानी का कलर बनाएंगे। तो हम वी आर टेकिंग ब्लू कलर एंड वाइट कलर, ब्लू वाइट को मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा ब्रॉड ब्रश लेंगे,
हमें सिर्फ लोटस फ्लावर नहीं बनाना है, पूरे बैकग्राउंड के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको भी बैकग्राउंड में पानी और स्काई दोनों ही कंप्लीट करना है। ओके क्लास, बाय बाय। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से यहाँ पर करना है। आपको जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद पिक्चर हमें सेंड करना है। ऊपर यहाँ पर आप ब्लू कलर कर सकते हैं, सॉरी ब्लू कलर नीचे पानी में दिया है तो आपको ऊपर येलो कलर आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर ऊपर नहीं करना है क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाएगा। बाय बाय।